नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, दोनों पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। SHO चितरंजन कुमार एवं टीम ने लगातार शराब तस्करों पर कहर बरपा रहे हैं। जिस तरह आपने कल देखा, स्कूल वैन में शराब की बोतलें छुपाकर तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। आज रात्रि में ही 10 बजे के आसपास सूचना मिलती है कि एक हुंडई कार में भी सैकड़ों बोतल शराब तस्करी के लिए लाई जा रही। थाना अध्यक्ष चितरंजन कुमार ने अपने वरीय पदाधिकारी SDPO राजेश कुमार झाझा को सूचना देते हुए आगे की कार्रवाई में जुट जाते हैं और गाड़ी समेत शराब को धर दबोचते हैं। जिस तरह से शराब की तस्करी करने से तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं, शायद उनको नहीं पता है कि पुलिस कप्तान के तमाम जवान शराब तस्करों पर हमेशा से कैमरे की तरह निगाह बनाकर रखें। जिस तरह से 202 लीटर लगभग शराब की बरामदगी हुई है, सारी विदेशी शराब हैं। आप बताते चले, पिछले बार भी एक बार और मैंने आपको खबर दिखाने का प्रयास किया था, जो शराब थी कहीं कहीं नकली थी। इस तरह से चितरंजन कुमार को लगातार सफलता मिल रही है। फिर हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे शराब तस्करों से या फिर आपराधिक तत्व के लोगों से कम अपना बोरिया बिस्तर समेट के कहीं जाके रोजी रोटी कमाइए, रोजगार करिए, बिजनेस करिए और जमुई छोड़ दीजिए। नहीं तो जब तक पुलिस कप्तान डॉक्टर शोर सुमन और चितरंजन कुमार जैसा थाना अध्यक्ष रहेंगे या फिर अन्य थाना अध्यक्ष रहेंगे, तो निश्चित रूप से तस्करों पर पुलिस की गाज हमेशा से गिरती रहेगी। सोनो थाना से संजय शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट, जरूर देखिएगा। मार्केट में सब लोग सब्जी खरीद रहा था, पूरा गांव सब्जी लेके आ गया। एक मिनट मिनट हमारा जनता रहा जैसा बतियावत करनी आता जो DSP साहब को कह रहे हैं रविशंकर बाबू के उनका